अगर इंसान कुछ करने का फैसला कर ले तो वो सारी मुश्किलों और राह की सारी रुकावटों के बावजूद अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाता है। रोशनी का सफर उसकी सारी जिंदगी एक ऐसी कहानी है जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर हिम्मत कर ली जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि अपने सपनों को मरने ना दिया जाए। जो बड़े सपने नहीं देखते वो बड़ी कामयाबियां भी हासिल नहीं करते। पिछड़े विचारों के अंधेरों में होश संभालने वाली रोशनी ने उजाले में जीने का ख्वाब देखा था। उन हालात में इससे बड़ा सपना देखा भी नहीं जा सकता था। उसने ऐसा सपना देखने की हिम्मत की, उस सपने को पाला, पोसा, परवान चढ़ाया और फिर एक लंबे संघर्ष के बाद उसे साकार किया। रोशनी पढ़ना चाहती थी, उसने पढ़ा और आज उसे देखकर बहुत से दूसरे लोग ऐसे ही सपने देखने की हिम्मत जुटा रहे हैं। रोशनी की आंखों में एक अजीब सी चमक है। दिन रात कड़ी मेहनत और भाग दौड़ करने के बावजूद थकान उसके पास नहीं आती। ये शक्ति उसे अपने सपने को साकार करने के संघर्ष ने दी है और ये जोश सफल होने के आनंद से जन्मा है। झज्जर हरियाणा का एक जिला है। इसी झज्जर के बहादुरगढ़ ब्लॉक में बसा है एक गांव सिलौठी। यही वो जगह है जहां रोशनी ने वो आंखें खोली जिनकी रोशनी आज पूरे हरियाणा में फैल रही है। रोशनी और परेशानियों का साथ बहुत पुराना है। इसके सर पर न तो बाप का साया था, न ही ताऊ और दूसरे घर वालों को उसकी कोई खास फिक्र थी। रोशनी अपने जीवन से खुश नहीं थी, पर उसका बस भी तो नहीं चलता था। परिवार के बड़े उसके लिए सारे फैसले करते और वो उसे मानने पड़ते। जिंदगी शायद ऐसे ही बीत जाती और रोशनी गुमनामी में अपने दिन काटती रहती, अगर 1993 में सिलौठी गांव, बहादुरगढ़ ब्लॉक और झज्जर जिले में साक्षरता अभियान शुरू ना हुआ होता। ये भी संभव है कि सबके बाद भी रोशनी की जिंदगी उसी ढर्रे पर चलती रहती अगर उसके पड़ोस की एक लड़की साक्षरता अभियान में प्रेरक ना बनी होती। जिंदगी के जिस मुकाम पर आज रोशनी आ पहुंची है वो इस बात का सबूत है कि कई बार मामूली से लगने वाले ऐसे ही इत्तेफाक हमारी जिंदगी को कितना बदल सकते हैं। हर पल सहमी सहमी सी रहने वाली रोशनी आज एक तेज तर्रार महिला है जो पढ़ाई और घर के कामकाज के साथ साथ गांव की समस्याओं के लिए भी आवाज उठाती है। कभी किसी बस्ती में पानी की कमी दूर करने के लिए वो अपनी आवाज बुलंद करती है, तो कभी शराब से होने वाली बर्बादी के खिलाफ। जब सिलौठी में साक्षरता अभियान की शुरुआत हुई तब रोशनी की उम्र कोई 20 साल रही होगी। उसकी शादी हो चुकी थी। लालची पति और ससुराल वालों ने दहेज के लिए उस पर इतने जुल्म किए कि वो रोज रोज की मारपीट और गाली गलौज से तंग आकर अपनी माँ और अपने परिवार वालों के साथ रहने लगी थी। उसके चेहरे पर गम और परेशानियों के गहरे साए थे और एक एक पल उसे बोझ लगता था। ससुराल वालों से तो वो सारे रिश्ते तोड़ चुकी थी। मेरी शादी होने के बाद जी ससुराल जब मैं गई थी तो परिवार वाला ने जो सामान दे रखा था उसको देखकर उन्होंने ये कहा, सामान कंपनी वाला नहीं दिया, रेडियो दिया था जी, घड़ी दी थी, कई चीज आइटम दिए थी, मशीन दी थी, वो उस पर कंपनी वाली नहीं थी। उन्होंने ये कई बात ऐसी की, मैं वहाँ ही फील कर गई थी इन बातों को। दारू पी लेते थे, सलवा पी लेते जब मेरी पिटाई की थी, यहाँ तक कराया उन्होंने, मेरे को जलाया भी है, पूरी पूरी रात जाडे में बाहर भी खड़े रख दिया है, एक बार तो गला भी घोट दिया था, मुंह पर के भी सगरेट जला के उसने कर दिए थे। यहाँ बापड़ो दले जा किया था ये तो काम जी, फिर वह सिलौठी छोड़ गई। यही वो वक्त था जब साक्षरता अभियान के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम शुरू किया। अभियान की शुरुआत रोशनी के लिए जीवन बूटी बनकर आई, उसे जीने की वजह मिल गई थी, एक मकसद था उसके सामने। उसने साक्षरता अभियान में अपना नाम लिखवाने का फैसला कर लिया। उसे पता था कि उसके परिवार में इस फैसले का विरोध होगा। उसके परिवार ने ही तो उसे बचपन में स्कूल जाने से रोका था।
परिवार के कड़े विरोध के बावजूद रोशनी छुप छुप कर पढ़ने के लिए जाने लगी। वो खाना बनाने, गोबर डालने, पशुओं के लिए चारे पाने का इंतजाम करने और अपने जिम्मे के सारे काम खत्म करने के बाद ही पढ़ने जाती। हेडमास्टर जी आए हुए थे सिलोठी गांव में, ये रमेश थे खेड़का से, ये हेडमास्टर से बात कर कर ये गांव में मोटिवेट कर रहे थे सभी को। उसी समय वे अक्सर सैनिक मम्मी के पास गए हुए थे, मैं वहाँ खड़ी सुन रही थी पढ़ाई की, क्यों मेरी ललचा शुरू से ही थी। न्यू करती मैं पढ़ लूँ फिर भी मैं नाट्य करती बैठी ना क्योंकर पढ़ देगी मारा मौका ना से कोई ना पढ़ जा हम तो भाई ईसाई काम से गरीब काम और बेटी खेत का काम हो गया, मैं खेत में डगर जाता घर करे भाई पढ़ने का बेटी सूतना बैठे। इसके भाई नाटे थे, एक लड़की उड़की कम पढ़े थी, बड़ी उम्र की होगी, पहले थे कि मम्मी ने पढ़ाई नहीं और फिर बोले इतनी बड़ी हम नहीं पढ़ा रोशनी, फिर रोशनी ने जोड़ दिया इस निम्मी ने दिया साख सप्ताह में, फिर रमेश ने दिया सुदेश ने दिया तू पढ़ लिया साख सप्ताह में। निम्मी के पास गए थे तो हेडमास्टर ने बताया था कि ये लड़की करवा सकती है, फिर हम मुकेश के बाद गए थे तो मैंने सुनकर फिर मैं निम्मी के पास गई बजाने के बाद थोड़ा हा गाना हा बना कर घर यहाँ से, फिर उसे मैंने पूछा माँ निम्मी क्या क्या बात से मन तो पढ़ने के बारे में जिक्र सुना, तब उसने बताई कि हेडमास्टर आए थे और हमको अक्सर सैनिक के रूप में जोड़ रहे हैं और सर्वे न करके दिया है अनपढ़ों का। तो निम्मी ने मेरे से ये बात बताई, फिर मैं कहा मुझे पढ़ा दोगी, कहा मैं पढ़ा दूंगी फिलहाल मुकेश क्लास लगा रही उसमें चले जाओ दो तीन दिन, अगले हफ्ते से मैं करूँगी स्टार्टिंग। फिर मैं पहले मुकेश के पास गई थी, फिर निम्मी नहीं सिखाया था वहाँ, तो मैं दो तीन दिन बस उन्हें मोटिवेट किया था इसलिए चली गई थी, जो इसलिए पढ़ाई की थी मेरी वो निम्मी ने की थी। रोशनी की पड़ोसन निम्मी साक्षरता की कक्षाओं में पढ़ाने का काम करती थी। निम्मी रोशनी के हालात से अच्छी तरह वाकिफ थी। निम्मी ने रोशनी की पूरी मदद की और इस तरह अभियान खत्म होने से पहले ही रोशनी तीनों कायदे पढ़कर नव साक्षर हो गई। रोशनी को अब कौन रोक सकता था? उसने तय कर लिया था कि वो इन तीन कायदों पर नहीं रुकेगी और अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रखेगी। इसके मन में तमन्ना थी पढ़ने की, कुछ हमने ख्यास करी, फिर यही हर वक्त जब भी टाइम लगता तब भी आ जाती पास, सुबह दोपहर है जिस वक्त भी से मौका मिलता तभी आ जाती, हर वक्त न्यू लगन रहती कि मैं पढ़ूँ, घर की जिम्मेवारी पूरी फल रखती और फिर नहीं सोचती कि हाँ अब मैं काम हो गया, दोपहर में इसके घर वाले सब सो जाते तो नहीं सोचती बस ये सो गई मैं अपने सोन की टाल मारूँ अपनी पढ़ाई करूँ। आज रोशनी उत्तर साक्षरता अभियान में सब प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रही है। संभव है कि रोशनी का यहाँ तक पहुँचना हमें या आपको कोई बड़ी उपलब्धि ना लगे, लेकिन हम तो पढ़े लिखे हैं। जरा एक महिला के बारे में सोचिए जो 1993 में 20 साल की थी और जिसने स्कूल में कदम भी नहीं रखा था और आज वो उत्तर साक्षरता अभियान की सब प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है। 14 साल में रोशनी ने कई 100 वर्ष का सफर तय किया है। ये सफर आसान नहीं था। गांव में शुरू हुए साक्षरता अभियान के जरिए रोशनी नव साक्षर तो हो गई, पर आगे पढ़ने के लिए घर वालों को राजी कर पाना बहुत कठिन था। घर वालों से इजाजत न मिलने पर रोशनी ने जयपुर में रह रहे अपने बड़े भाई को खत लिखा। खत में उसने आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। छोटी बहन द्वारा लिखे खत को देखकर भाई बहुत खुश हुआ। उसने न केवल रोशनी को आगे पढ़ने की इजाजत दी बल्कि दाखिले के पैसे भी भेज दिए। मैंने जब हिंदी पढ़ने आगे तो उस टाइम मेरे भाई जयपुर रह रहे थे तो उसके पास भी मैंने 2-3 लेटर डाले, वे जी एक दो बार उन्हें लेटर बहन से गिरा और रोशनी जिद कर रही पढ़ने के लिए, उसको मना कहा, बहन भी आई बड़ी पर मका मैंने जिद कर ली थी मैं जरूर पढ़ूंगी, फिर उन्होंने घर आने के बताई, फिर और न्यू पता लग गया क्या पढ़ना था वो आगे भी, और बत्ती दबाव पड़ गया मुझ पर मैंने अपनी जिद ने छोड़ी अपने प्रयास जारी रखे, फिर भाई के पास लेटर गए धीरे धीरे भाई मान गया। अब उसने बिना समय गवाए गांव के प्राइमरी स्कूल में जाना शुरू कर दिया। स्कूल में वो सबसे बड़ी थी, कई टीचरें भी उम्र में उससे छोटी थीं।
रोशनी ने पांचवी क्लास की परीक्षा अच्छे नंबरों के साथ पास की। अब तक गांव के बहुत लोग जो कभी एक औरत की पढ़ाई का खुलेआम विरोध करते थे, अब उसके समर्थक हो गए थे। स्कूल में पहुंची तो मैं क्लास में जाकर बैठ गई। मेरे से सारे बच्चे छोटे थे जी, और उनमें सारे हम बड़ी थी। फिर टीचर आए जी, अजीत नाम था, वो छुड़ानी के थे। हेडमास्टर ने तो पता ही था जी, आई है पांचवी क्लास में जाएंगी, उसकी तो परमिशन से आई थी मैं, उनने तो हाँ भर रखी थी। तो टीचर ने तो मैं पहली बार देखी, क्लास मान कर वो भी चौंक गया। तो उसने बुलाया, बेटे क्या बात है, आप इतनी उम्र में आप यहाँ क्लास मान के बैठी, बच्चे के साथ तो आप नहीं सेट हो पाओगे। फिर उनसे बताया, फिर उन्होंने ठीक है बेटे, आपको पढ़ाने का हम जरूर करेंगे। पर साक्षरता कर्मियों के प्रयासों से पड़ोस के गांव दुल्हेड़ा के ज्योति हाई स्कूल में उसे दाखिला मिल गया। उसकी फीस और वैन का किराया भी माफ कर दिया गया। रोशनी ने कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई की और दसवीं की परीक्षा भी अच्छे नंबरों के साथ पास कर ली। ज्योति स्कूल के दुल्हेड़ा से सर्वे करने जा रहे थे दिलीप सर, और वे कुदरती निम्मेर के घर के पास पहुंच रहे थे। इसके भी भाई थे दो, तो उनने उस मैं एडमिशन करवा दिया था। उसने मेरे बारे में पूछा दिलीप सरा ने, तो मेरे चाचा जी ने, निम्मे के पिताजी ने सारी बातें बता दी। अब बोले इसने पढ़ना भी सीखा है, तो मगा जी मैं पढ़ना चाहती हूँ, अगर आप पढ़ा दोगे। मैं गांव में कहा, मैं आप चिंता नहीं करो, ठीक है। इनकी मम्मी को कहा, मगा ऐसा है आंटी जी, हम पढ़ाएंगे इसको, हमारे पास भेजो, ठीक है, फ्री पढ़ाएंगे, हमने कोई पैसा नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं इसकी हेल्प। उन्होंने मेरी नहीं फीस ली, नहीं कोई ड्रेस पर दबाव दिया, गाड़ी में लेगी नहीं किराया दिया, उन्होंने मेरे को फ्री पढ़ाया जी। रोशनी पहली बार हमारे स्कूल में आई और मेरे आगे जब वो क्लासरूम में आई तो थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था। बच्चों के साथ ये बैठी, हम चाहते थे कि भाई ये हमारी उम्र की है कुछ इसके अंदर, लेकिन नहीं, इसने ऐसा कुछ नहीं किया। कहा कि नहीं मैडम, जैसा बच्चों के साथ आपका व्यवहार है, अगर आप वही व्यवहार रखेंगी तभी मैं आगे पढ़ पाऊंगी। अगर आपने भाई मेरे प्रति थोड़ा सी सहानुभूति दिखाई या और कुछ दिखाया तो मैं शायद नहीं कर पाऊंगी। जो सजा बच्चों को दे रही है मुझे भी दिए, जो काम बच्चों को दूसरों को दिया जा रहा है ऐसा मुझे भी दो। आठवीं में इसके मार्क्स 55 के आसपास के आए हैं। 2000 में हरियाणा बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा में इसने 342 मार्क्स लिए, दैट इज अबाउट 55% मार्क्स। रोशनी की बेहतरीन परफॉर्मेंस और हिम्मत को देखते हुए स्कूल के प्रबंधकों ने उसे स्कूल में ही लाइब्रेरियन के पद पर नियुक्त कर दिया। अब रोशनी किसी पर बोझ नहीं थी, वो खुद कमाने लगी थी। उसके बहुत से सपने पूरे हो चुके थे, वो पढ़ना लिखना सीख गई थी। जब इसको कहीं जॉब नहीं मिला तो मैंने इसको कहा, बेटा आप यहाँ आ जाओ, और ज्योति स्कूल में इसने एज ए लाइब्रेरियन के पद पे हमने इसको ज्वाइन किया। और उसके बाद में जो है इसने बड़ी मेहनत और लगन के साथ जो है अपने स्कूल में काम किया, और स्कूल में लाइब्रेरी में प्लस अगर कोई एक दो टीचर नहीं भी आता था तो ये क्लास भी अटेंड कर लेती थी। और बड़ी मेहनत से और लगन से मुझे पता था कि ये लड़की बड़ी मेहनती है और एक दिन इसको कामयाबी जरूर मिलेगी। वो शिक्षा जिसके दरवाजे उसके लिए बंद किए जा चुके थे, उसने अपने दम पर और साक्षरता कर्मियों की मदद से खोल दिए थे। इतना सब हासिल कर पाने के बाद लोग आमतौर पर अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें और कोई सरोकार नहीं रहता, मगर रोशनी तो किसी दूसरी ही मिट्टी से बनी थी। समाज के लिए और अपने ही जैसे दूसरे लोगों के और ज्यादा कर पाने की ललक उसमें और भी ज्यादा बढ़ गई। अब स्कूल से लौटने के बाद रोशनी गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। उसका ये काम लगातार आज भी जारी है। बच्चों के साथ हंसती बोलती रोशनी, इस प्यार भरे माहौल में रोशनी अपने बचपन के उन दिनों में लौट जाती है जिन्हें जीने का अवसर उसे नहीं मिला था। रोशनी ने आसपास की महिलाओं को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी दौरान सन 2006 में झज्जर जिले में उत्तर साक्षरता अभियान शुरू हो गया। साक्षरता अभियान से जुड़ी हर गतिविधि रोशनी को एक अजीब शक्ति से अपनी तरफ खींचती थी। ये हो ही नहीं सकता था कि साक्षरता से जुड़ा कोई भी अभियान झज्जर में चले और रोशनी उसमें शामिल न हो।
अभियान की खबर उसे मिली और उसने लाइब्रेरियन की नौकरी छोड़कर अभियान में केयर टेकर के पद के लिए अप्लाई कर दिया। अभियान के संयोजकों ने साक्षरता के प्रति रोशनी के जुनून और समाज सुधार की उसकी भावना को देखते हुए उसे सब प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जैसे अहम पद पर नियुक्त कर दिया। ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। हमारा उत्तर साक्षरता कार्यक्रम अप्रैल 2006 में हमारा पास हुआ था, लेकिन ये कुछ दिक्कतों के कारण ये जाके 21 दिसंबर को शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले हमारे जिले प्रशासन की तरफ से इसकी ऐड की गई थी कि जो कार्यकर्ता जुड़ना चाहते हैं, जो समाज सेवा करना चाहते हैं, वो आगे आएं। तो हमारे 9 दिसंबर को इंटरव्यूज थे, तो उसी के दौरान रोशनी ने भी अपना केयर टेकर के लिए यहाँ पर अप्लीकेशन दी थी। लेकिन जो हमारी जूरी थी, जो हमारे इंटरव्यूज ले रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि ऐसे व्यक्तित्व को केयर टेकर के पद पर नहीं लेना चाहिए। उसी वक्त जो हमारी कमेटी थी उसने बातचीत की कि एक जो कार्यकर्ता है जिसका रोहतक में हम जलवा देख चुके थे कि पूरा सभागार था 8 सितंबर को, उसमें लोग देखने को उमड़ रहे थे कि रोशनी कौन है, क्या संघर्ष किया है इसने इन चीज़ों पे, तो ये हमारे जो उत्तर साक्षरता कार्यक्रम को एक तरीके से गति देने का काम रहेगा और एक एग्जाम्पल रहेगा कि एक महिला जिसने परिवार से, जिसने समाज से अपना संघर्ष करते हुए साक्षरता से जुड़ी, उन्होंने पढ़ाई की और वो आगे दूसरे जो हमारे जिनको हमने जोड़ना है, जो साक्षर हैं, गैर साक्षर हैं, नव साक्षर हैं, उनको जोड़ना है, उसमें हमारा एक बहुत संबल प्रदान करेगा। इस लिहाज से अतिरिक्त उपायुक्त जो हमारे उस टाइम पे चेयरमैन थे इस इंटरव्यू कमेटी के, उनसे बातचीत करने के बाद में उन्होंने तुरंत ये कह दिया कि इनको बतौर स्पेशल केस SPC के पद पर लगाने की उन्होंने अनुमति हमारे को दे दी। रोशनी चाहती थी कि साक्षरता और शिक्षा का प्रकाश हर गली और हर घर तक पहुंच जाए। साक्षरता ही वो मंच था जिसकी मदद से वो आम लोगों के बीच जा सकती थी, उन्हें पढ़ने पढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती थी और एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकती थी। आज अपने परिवार में रोशनी की इज्जत की जाती है, उसे पूरा सम्मान मिलता है, हर छोटे बड़े काम में उसकी सलाह ली जाती है। पूरे गांव में आज रोशनी का अलग ही रुतबा है। ये इज्जत, समाज में ये रुतबा उसने बड़ी मेहनत और कड़े संघर्ष के बाद हासिल किया है। आज सारा गांव उसकी बात सुनता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गांव के विकास के हर मामले में रोशनी सबसे आगे रहती है, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाती है, गांव की समस्याओं को दूर करवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से मिलती है, सबके दुख सुख में शामिल रहती है और ये साक्षरता अभियान की ही देन है। चाचा ताऊ है, पिता ये लेडीज को लोग कहते थे पैर की जूती है। रोशनी में एक खास बात और देखने को आती है कि इसमें एक ऐसी कसक है कि लोगों को ये पढ़ाई के बारे में बताना चाहती है, लोगों को चाहती है कि जो लोग नहीं पढ़े हैं वो पढ़े, खासकर अगर कोई महिला या पुरुष इनको कभी सर्वे के दौरान या इनके गांव में जनचेतना केंद्र के दौरे के दौरान या लोगों से मिलाप के दौरान, हमारी तरु यात्राएं चली हैं उनके दौरान, हमारे और जन अभियान चलते हैं, हमारे कले जत्थे के दौरान ये देखने में, अगर जब भी कला प्रदर्शन करवाती हैं गांव में तो लोग इनसे बातचीत करते, तो कई ये महिलाएँ या पुरुष ये कहते थे कि जी मैं नहीं पढ़ाऊँ, तो रोशनी उत्साहित होकर, अगर वो हमारे से ही बात करती तुरंत उत्साहित होकर खुद अपना एग्जाम्पल उनके सामने प्रस्तुत करती है कि जी मैं भी उस समय ऐसी थी कि पढ़ी नहीं थी और देखो मैं पढ़ी हूँ तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते, तो लोगों में भी उसमें जुनून पैदा होता है और वो उस व्यक्ति को पहचान लेती है और जब भी उसको दोबारा मिलती है तो उसको जरूर टोकती है कि आपने पढ़ना लिखना शुरू किया नहीं किया, आप कब से कर रहे हो, तो उनको प्रेरित करती है। साक्षरता मिशन ने जो मेरे को दिया है वो मैं बांटना चाहती हूँ। मैंने अक्सर ज्ञान दिया है तो ये अक्सर ज्ञान और दूना फैले, अशिक्षित ना रहे, सभी शिक्षित हुए। मेरे डाला कोई दबी हुई महिला लेडीज रोशनी जो बनकर छुपी बैठी हो उसको भी मैं बाहर निकालना चाहती हूँ। उसे बचपन में न पढ़ पाने का बहुत मलाल है। उसका मानना है कि अगर घर वालों ने उसे बचपन से ही पढ़ना लिखना सिखाया होता तो शायद ससुराल वाले इतना जुल्म नहीं कर पाते। वो जानती है कि हमारे समाज में, खास तौर पर हमारे गांवों में, आज भी औरतों और लड़कियों के बारे में वही पुराना नजरिया कायम है और उसे बदलने के लिए रोशनी खुद घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने की लगातार कोशिशें करती रहती है।
जो लोग अभी तक अनपढ़ हैं, उन्हें पढ़ाई और शिक्षा की अहमियत समझाने के साथ साथ वो दहेज के लेन देन और छोटी उम्र में विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज उठाती है। समाज सुधार के लिए जो पहल कदमिया रोशनी ने की है, उनकी चर्चा अब दूर दूर होती है। सिलौठी गांव के अलावा आसपास के गांव वाले भी रोशनी की बातों से खासे प्रभावित हैं, और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि रोशनी खुद उनके लिए संघर्षों की जीती जागती मिसाल है। एक वो वक्त था जब रोशनी को कलम पकड़ना नहीं आता था, और एक आज का दिन है जब कलम उसका सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। रोशनी की जिंदगी की धुरी है उत्तर साक्षरता अभियान का कार्यालय। रोशनी समय की बहुत पाबंद है, वो अपने सारे काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करती है, और कोई नया काम शुरू करने से पहले उससे जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी जुटाना उसकी आदत बन चुकी है। एक बहुत ईमानदार और कर्मठ, अगर वो कहीं गलती करती है उसको उसी टाइम पे ये मानती है, और अगली बार हमें शायद वो गलती उनकी नजर नहीं आती है। ना तो उसमें कभी समय की से लेट होती, ना काम से पीछे हटती। काम को समझने की, सीखने की उसमें आज भी उतनी इच्छा है जितनी उसको उस वक्त उस कायदों को, उन अक्षर ज्ञान की जरूरत थी। आज भी अगर उसको कोई काम दे दिया जाए, कोई सर्वे का कार्य है, कोई जनवाचन का कार्य है, कोई सांस्कृतिक गतिविधि करानी है, कोई मशाल जुलूस कराना है, पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया है, कोई गोष्ठी है, कोई भी जितने भी साक्षरता से संबंधित काम है, लिटरेसी से जुड़े हुए काम है, अगर वो आज भी जब उसको हम मीटिंग में या किसी दौरान हम बताते हैं तो अगर उनको समझ नहीं आती है तो पहली कार्यकर्ता होती है तुरंत पूछ लेती है कि ये काम में कैसे होगा, उसको पूरी तरह से समझ के और पूर्ण रूप से करके लाती है। तो हम ये सोचता हूँ कि मेरे सामने जब उनकी रिपोर्ट आती है तो मुझे देख के काफी कई बार हैरानी भी होती है कि और जो इससे ज्यादा पढ़े हुए लोग हैं उनकी रिपोर्ट में त्रुटियां होती हैं, लेकिन रोशनी की रिपोर्ट में वो त्रुटियां नहीं मिलती। रोशनी का जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ही मिलनसार, और लोगों में जहाँ भी हम ये कहते हैं कि रोशनी ने ये पूर्ण साक्षरता अभियान में शिक्षा ग्रहण की थी, और अब ये जो है ब्लॉक बहादुरगढ़ में सब ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत है, इसी तरह ये जो सब ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का कार्य है ये पूर्ण तन्मयता के साथ, डेडिकेशन के साथ काम करती है। रोशनी चाहे किसी को पढ़ा रही हो, कोई नई बात समझाने की कोशिश कर रही हो, या फिर अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रही हो, एक सहज आत्मविश्वास उसके चेहरे पर हमेशा झलकता है। साक्षरता कर्मियों की नजर में वो एक आदर्श कार्यकर्ता है। आज वो झज्जर जिले के हर गाँव की बेटी बन चुकी है। जिला केंद्र में बैठकर भी रोशनी हमेशा सारे जिले के गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े सवालों के बारे में चिंतित रहती है। बचपन में पढ़ ना पाने के कारण जो दुख उसने सहे हैं और जिस शक्ति से उसने उन पर विजय पाई है, वो एक ऐसी मिसाल है जो किसी को भी प्रेरित कर सकती है। और इसलिए जब भी अभियान को गति देने या किसी इलाके के काम की जांच करने का सवाल उठता है तो अभियान के संयोजक और दूसरे बड़े अधिकारियों की तरफ से रोशनी के नाम का ही प्रस्ताव आता है। रोशनी का हाथ चारा काटने की मशीन में आकर कट गया था, पर उसके पति ने उसकी खबर भी ना ली। इस बात ने उस वक्त रोशनी को बहुत दुख पहुंचाया था। उसके पास आज एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई नहीं छीन सकता, शब्दों की शक्ति और लेखनी का बल। मुझे लगता है कि भारतवर्ष के लिए एक आदर्श उन्होंने पैदा किया है कि किसी भी परिवार से जिस महिला को, जिस लड़की को अगर शिक्षा के लिए निश्चित तौर से आगे नहीं आने दिया जाता है, वो अपने बलबूते पे खड़ा हो सकती है। कितनी काम का बोझ हो, लेकिन रोशनी पर आज तक मैंने 9 महीने में ना तो किसी कार्यकर्ता पर गुस्सा होते देखा है, ना कभी वो गुस्सा होती, हमेशा जो मुस्कुराती रहती है। वो उनकी अहम उसके जीवन की एक छवि है कि जो सब लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यही कारण है कि छवि के कारण रोशनी हमारे जिले में एक अहम कड़ी बन गई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि जैसा नाम वैसा काम वाली कहावत का सही अर्थ क्या है, तो वो है सिलौठी की रोशनी। उसने एक बहुत बड़ा सपना देखा था और उसे पूरा किया। बड़े सपने देखने वाले ही बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। आज उसके पास अनगिनत लोगों का प्यार है, समाज में उसका सम्मान है, और इस सब ने उसके परिवार का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। सवाल ये है कि क्या घर वाले भी कभी ये सोचते हैं कि उसकी पढ़ाई रोककर उन्होंने गलती की थी?
रोशनी को सच्ची खुशी उस दिन हासिल होगी जब सारे देश की लड़कियों और औरतों को जीने और जीवन में आगे बढ़ने के वो सारे अधिकार और अवसर मिलेंगे जो सिर्फ लड़कों और पुरुषों को ही मिलते रहे हैं।